हाथरस की स्टेट बैंक कॉलोनी और कंचन नगर की शहर की पास कॉलोनी में गिनती होती है। लोगों ने भी यहाँ यह सोचकर मकान बनवाए थे कि वे यहाँ साफ सुथरे माहौल में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामूली सी बरसात के बाद भी हाथरस में लोगों के घरों में पानी भरने लगा है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। हाथरस नगर पालिका की लापरवाही के चलते घरों में पानी भरने के कारण नगर के अधिकांश मोहल्लों के लोग नगरीय नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस जल भराव और गंदगी की समस्या से परेशान हो चुके आगरा रोड की बैंक कॉलोनी और कंचन नगर के महिला पुरुषों ने घरों से बाहर सड़क पर आ गए और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का घेराव किया। महिलाओं ने मौके पर मौजूद सैनिटरी इंस्पेक्टर को चुनिया पहनाई। सभी ने आगरा रोड जाम कर नगर पालिका और चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले लोग व्यवस्था को लेकर आपस में भिड़ गए। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। लता जी, क्या किया, क्या हुआ है? मेरे घर में जब भी बारिश होगी 6 दिन से लगातार पानी भरा हुआ है। मेरे घर में और मेरे आसपास के 8-10 घरों में, किचन में, बाथरूम में, आंगन में, सब में पानी आ रहा है। जब तक जिला आज आपने क्या किया यहाँ पे? आज हमने खबर करी थी, ऊपर लखनऊ फोन करा है, क्या नाम, दिवाकर जी को फोन करा है। तब यहाँ पर CEO साहब आए हैं, देखने उन्होंने राशि कहा है कि मैं तुरंत एक्शन लूंगी। क्या नाम होगा, आपने बंधक बनाया उनको? सीता बंधक बनाया, लेकिन वो छूट के भाग गई। अच्छा। वो हमें मैं नया आया हूँ। आपने चूड़ियाँ क्यों बनाई उन्हें? चूड़ियाँ हमने इसलिए बनाई कि हमने 2 महीने पहले से ये एप्लीकेशन दे रखी है, 2 महीने हो गए रिसीव कराई हुई। चूड़ी किसको पहनाई थी आपने? चूड़ी हमने पहनाई है SI को। और यू चूंकि नए आए हैं, उन्होंने हमें 3 दिन का वादा किया है, इसलिए हमने उन्हें चूड़ियाँ नहीं पहनाई पहना। तीन दिन के वादे का छोड़ दिया, 3 दिन के और 3 दिन तक भी उन्होंने ये वादा किया है कि पानी नहीं भरेगा आपके घर में। मेरे घर में सांप बंद है, उन्होंने वादा किया है कि अभी मैं उसको निकलवाऊंगा। यो साहब, आज आगर रोड पे कुछ कॉलोनी में वहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया और समस्या आपने भी वहाँ देखी कि जलभराव है, घरों में पानी है, तो वहाँ की समस्या का निस्तारण कब हो जाएगा? जो मुख्य ड्रेन है जो सरस्वती में होगी, नाला जा रहा है, उसकी सफाई कब तक हो जाएगी? जो मैं स्टेट बैंक कॉलोनी में गया था सुबह, वहाँ पे सरस्वती इंटर कॉलेज से आवास विकास होते हुए नाला गुजर रहा है जिसके टेंडर हो चुके हैं और सफाई कार्य भी शुरू हो गया है, तो उसके वजह से स्टेट बैंक कॉलोनी में जल भराव हो जा रहा है। पिछले तो मुझे नहीं लगता है कि 2-3 सालों से उस इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज से जो नाला गया है उसकी सफाई कभी हुई हो 2-3 सालों से, तो 4 दिन के अंदर मैं आश्वासन देता हूँ 4 दिन के अंदर वो सफाई हो जाएगी, उसकी जल भराव की समस्या दूर हो जाएगी। 4 दिन के अंदर वो सरस्वती का नाला यानी ड्रेन खोल दिया जाएगा। एक समस्या ये आ रही है जिसके हमको प्रशासन से सहयोग लेना है कि आगे आवास विकास के कुछ 17 से 20 घर ऐसे पड़े हैं जो नाले के ऊपर कब्जा करके रखे हुए हैं, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग है। आज मैं जिले पे जाऊँगा, इसी से प्रशासन से सहयोग मांगूंगा, क्योंकि सहयोग रहेगा तो ज़्यादा अच्छा हम नाला सफाई क्रम हट जाएगा, सफाई ज़्यादा अच्छा करा पाएंगे। तो अब 4 दिन में, 4 से 5 हो सकता है समस्या का निदान हो जाएगा, हो जाएगा पूरी तरीके से नाला सफाई हो जाएगी, समस्या का निदान हो जाएगा। वो नाला न साफ होने की वजह से ही स्टेट बैंक कॉलोनी में समस्या आ रही है, उनके पानी नहीं निकल पा रहे हैं, वो थोड़ा निचला इलाका पड़ रहा है और ये काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है, तो उसकी वजह से उनकी समस्या आ रही है।